मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाकर दोषियों को जेल की सलाखों में पहुंचाया जा रहा है। बावजूद इसके प्रदेश के भूमाफियाओं में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। ऐसा एक मामला इंदौर जिले के महू में देखने को मिला, जहां रक्षा संपदा की जमीन पर अब भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में जनता कांग्रेस द्वारा लगाई गई आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि महू कैंट क्षेत्र में 61 एवं 109 नंबर बंगले का सौदा किया गया और माफियाओं ने बिना जानकारी दिए इसकी रजिस्ट्री करा ली। जनता कांग्रेस के महासचिव अमित वर्मा ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे का कहना है कि बंगलों की बिक्री रक्षा संपदा विभाग से अनुमति लिए खरीदी बिक्री कर दी गई है, जो वहां निश्चित रूप से अवैध रूप से की गई बिक्री और खरीदी है। देखिए, बिल्कुल गलत है। रक्षा संपदा विभाग की जो भूमि है वो हमारे देश की भूमि है, भारत सरकार की भूमि है। उस भूमि के ऊपर यदि कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए बुरी नज़र डालता है तो उसके लिए हम नागरिकों को भी और यहाँ के शासन प्रशासन को भी पूरी तरह से जुटकर उसको उखाड़ने का काम करना चाहिए। हम लोग विगत 6 वर्षों से तो हमारा नगर पालिका बनाओ आंदोलन चला ही रहे हैं। आपको याद होगा उस समय मैंने आपको भी एक दो इंटरव्यू में कहा था, जब हमने अपना नगर पालिका अभियान चलाया था, जब मैं कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष हुआ करता था महू का, तब से हम लोग कर रहे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग रही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनज़र महू के सिविल क्षेत्र को बढ़ाया जाते हुए इसे छावनी से मुक्त करके एक नगरीय निकाय का दर्जा दिया जाए। हम उसी चीज़ में काम कर रहे हैं अपना। लेकिन अब एक सेकंड, अब उस बीच में क्या हो रहा है कि महू के अंदर सबसे ज़्यादा जो भूमि है वो है रक्षा संपदा विभाग की बंगला बगीचा भूमि। लगभग 100 से ज़्यादा बंगले बगीचे हैं जिनका या तो नगरीय निकाय में विलोपन होना है, उनको आना है, और या तो फिर भारत सरकार के अधीन हो जाना है पूरी तरह से। लेकिन इस बीच में जो काम चल रहा है वह ये है कि इंदौर जिले के कुछ कतिपय भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और जो इन भूमियों के ऊपर अपने बड़े बड़े व्यवसायिक काम करना चाहते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लेकर इस महू शहर में दबे पांव अपना काम करने चालू कर चुके हैं, जिसकी जानकारी हमको लगी तो हम उसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। वह आपको याद होगा आज से 3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने उसी बंगला नंबर 109 के प्रांगण में 3 दिन तक भूख हड़ताल की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आप भी आए थे उसके अंदर, सारे पत्रकार थे सम्मानित उसके अंदर। तब तात्कालीन SDOP महोदय थे यहाँ पर अरुण मिश्रा जी, जिन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। और CO थे कैंट बोर्ड के रॉबर्ट वलेचा जी और नेहा गुप्ता जी उस समय DO थी। तब जाके पूरे जितने भी बंगले बगीचे भूमियाँ हैं सब पर बोर्ड लगा था। ये बोर्ड जो लगा है ये हम लोगों के उसी आंदोलन के बाद लगा कि यह भूमि भारत सरकार की है, इसका खरीदना बेचना प्रतिबंधित है। जहाँ जहाँ वहाँ बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड की भूमि को खरीदना बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है। देखिए, उसके बारे में जो ये मामला है हमारे कार्यालय से भावना जी देख रही हैं, रक्षा संपदा विभाग की भूमि है वो भी, रक्षा मंत्रालय तक इसमें कार्रवाइयाँ पहुँच चुकी है। उस बंगले के बारे में सुना भी है और देखा भी और एविडेंस भी है कि विगत 10 वर्षों में 2 बार उसका सौदा हो गया है। एक बार लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए में हुआ था और एक बार लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है ना। उसके भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वगैरह हैं जो हमने यहाँ के स्थानीय DO सपन कुमार जी को दिए हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखा है भारत सरकार की भूमि का अफरा तफरी का केस बनाने का। देखते हैं अब क्या होता है भविष्य में। जनता कांग्रेस का क्या राय रहेगी मुख्य? देखिए, जनता कांग्रेस की तो 2 ही मांगे हैं, जो हो सबके साथ एक जैसा हो, जो आप गरीब के साथ व्यवहार करते हैं वही अमीर के साथ करें, ठीक है, और महू को नगरीय निकाय का दर्जा देकर इसे एक स्वतंत्र नगर पालिका का रूप दिया जाए। एक बार फिर आपके नगर पालिका बनाने के लिए महू के लिए कुछ आंदोलन चालू करेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल चल रहा है, हमने जो कार्रवाइयाँ दी हुई है उसके ऊपर निरंतर पत्राचार पत्र व्यवहार चल रहा है। लेकिन ये कोरोना और कोविड महामारी के 2 वर्षीय काल में हम लोगों ने अपने सारे आंदोलन मोर्चे सब स्थगित कर रखे थे। अब जैसे ही ये सब शांति होती है उसके बाद हम फिर से हमारी मांग को पुरजोर तरह से दिल्ली तक पहुंचाएंगे आप लोगों के जन सहयोग। महू कैंट एरिए में कम से कम 165 के करीब बंगले हैं और 150 के आसपास जो है लगभग वहाँ यहाँ पे बगीचे हैं। नहीं, जो
बंगले और बगीचे जो भी बिक रहे हैं या खरीदी हो रही है उनकी यदि रक्षा संपदा विभाग से या छावनी परिषद से अनुमति लिए बिना खरीदी बिक्री हो रही है तो निश्चित रूप से वो अवैध है, उसमें परमिशन लेना चाहिए।